आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पुलिस पर हमला करने वाले मामले में मुख्य अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन में भोपा पुलिस टीम पर हमला किया गया था, एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए थे। मुख्य आरोपी सुदेश पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस टीम पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था, इस हमले में एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इस खबर पर सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता मोनू कुमार हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। मोनू, क्या था ये पूरा मामला? अब 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी गिरफ्तारी हो सकेगी मुख्य आरोपी की? बिल्कुल मैं आपसे बता देगा, मुझे फटाफट में 3 दिन पहले एक घटना हुई थी। लॉकडाउन के दौरान जो भोपाल थाना क्षेत्र एक गांव में पुलिस लॉकडाउन जब पब्लिक जो भीड़ लगाए हुए लोग खड़े थे, जब पुलिस ने हटा रही थी, उसी दौरान भीड़ आक्रोशित होकर पुलिस पार्टी में पथराव करते, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल और एक दरोगा घायल हुए थे, जिसमें जो दरोगा और पुलिसकर्मी मेरठ रेफर कर दिए गए थे। और उसके बाद जो पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसके गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उसमें आज मुख्य आरोपी के खिलाफ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस तमाम जानकारी के लिए।